नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक प्रकाश नायक के जनसंपर्क को मिल रहा लोगों का भरपूर समर्थन। जनसंपर्क अभियान में रायगढ़ शहर के कोतरा रोड से स्टेशन चौक तक सघन जनसंपर्क अभियान में जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। प्रकाश नायक ने CSEB कॉलोनी, अलंकार रेस्टोरेंट गली, बूढ़ी माई मंदिर, दशरथ पान ठेला, आठले चौक, स्टेशन चौक होते हुए कांग्रेस भवन पहुंच लिया लोगों का आशीर्वाद। जनसंपर्क के दौरान प्रकाश नायक ने लोगों को संबोधन में कहा, प्रदेश के किसानों को पूर्व की भाजपा सरकार ने 15 वर्षों तक किसानों के साथ ठगी करके प्रदेश में राज किया। वहीं वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पूर्व किसानों से धान की कीमत बढ़ाने का वादा किया था, जिसे प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार आते ही पूरा किया गया। 3 वर्षों तक जहां किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया, तो वहीं अब प्रति क्विंटल 2640 रुपए प्रदान किया जा रहा है। उक्त बातें विधायक प्रकाश नायक द्वारा रायगढ़ शहर में आयोजित सघन जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही गई। वहीं फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के साथ ही धान का मूल्य प्रति क्विंटल 2800 रुपए प्रदान किया जाएगा। देखिए, रायगढ़ शहर का लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मैं समझता हूँ जनता एक बार फिर मुझे मौका देना चाहती है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी यदि आप जीत के आते हैं तो? देखिए, मैं रायगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाली गली पानी बिजली, उसको करना चाहूँगा। उसके साथ भी और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको भी करना चाहूँगा।